सो हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते अपने मैथ वाले क्लास को। और आज के इस मैथ वाले क्लास में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे, जिससे एकदम डायरेक्टली क्वेश्चन एकदम कह सकते हैं एग्जैक्टली टू कॉपी वही पूछ देगा, ठीक है। तो वैसे सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे और बेसिकली इसमें करूंगा क्या कि मैं सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बताऊंगा, किस लेवल का क्वेश्चन पूछता है, और कुछ मैं प्रैक्टिस करवा दूंगा। कोशिश करते हैं कि अगले 2 घंटे में हम लोग कम से कम हम लोग को खत्म करना है इस क्लास में, लिमिट खत्म कर लेना है और साथ में खत्म कर लेना है डिफरेंशिएशन का पोर्शन, ठीक है। ये 2 पोर्शन को हम लोग को खत्म कर लेना है, लिमिट और डिफरेंशिएशन को खत्म कर लेंगे फिर हम लोग का मेजर जो पोर्शन रहेगा वो समझिए खत्म हो जाएगा। और लिमिट और डिफरेंशिएशन मिला करके जो नंबर ऑफ क्वेश्चन आएगा आपके टेस्ट में वो तकरीबन 5 से लेकर 7 क्वेश्चन आएगा। तो एक तो अपना सबसे बड़ा पोर्शन जो ट्रिगो का था, इसमें हम क्या क्या काम किए, ट्रिगो का पूरा पोर्शन कवर कर लिए, सेट और रिलेशन फंक्शन को कवर कर लिए, सेट रिलेशन से अपना 4 नंबर के आसपास उधर कवर हो गया, ट्रिगो से आपका तकरीबन कवर हो जाएगा 3 से 4 के आसपास, और आज का लिमिट और डिफरेंशिएशन कह सकते हैं तो 50% आपका एकदम आराम से कवर हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं लिमिट और डिफरेंशिएशन के बारे में, बहुत ही बेसिक बात है और मैं बस वैसा बात करूंगा जो आपके टेस्ट में जिससे क्वेश्चन पूछेगा वैसा ही के बारे में बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं लिमिट को, सही से समझिएगा लिमिट को। लिमिट के बारे में अपने क्लास 11 में पढ़ा है, बेसिक है, लिमिट से ही आता है अपना सब कुछ, लिमिट से ही आया है, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन सब कुछ इसी से आया है। तो लिमिट से स्टार्ट करते हैं और इसका जो पीडीएफ है, पीडीएफ मैंने लिमिट का आपको प्रोवाइड किया था पहले भी, हालांकि लिमिट के 1-2 लेक्चर का रिकॉर्डेड जो फॉर्म है वो रिकॉर्डेड फॉर्म मैंने पहले भी आपको दिया था, बट में भी आप लिमिट को नहीं समझ पाए होंगे, तो कोई बात नहीं, आज आप समझिए सिंपल से लिमिट को समझिएगा और उसी को फिर हम लोग अप्लाई करेंगे। लिमिटिंग का मतलब सही से समझिए, ठीक है, और लिमिटिंग मैथ में जरूरत ताकि आप प्रॉब्लम को इजी वे में सॉल्व कर सकते। पहले लिमिट का सिंपल सा मतलब समझते हैं, देखिएगा दिक्कतों का बताइएगा। यहाँ पे x2+1 लिखा है, लिखा क्या गया इस केस में, लिमिट x→1 x2+1 दिख रहा है ना। इस केस में देखिए x2+1 अपना क्या है, फंक्शन है, दिख रहा है, ये अपना क्या है, फंक्शन है, x2+1 भी ए फंक्शन। तो लिमिट क्या कहता है, लिमिट कहता है कि जो फंक्शन में वेरिएबल है, जो फंक्शन में, ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन है x2+1, सो इन दिस फंक्शन वेरिएबल अपना क्या है, एक्स है, इसमें काम करने वाला कौन है, एक्स है। तो एक्स के वैल्यू को स्पेसिफाइड करने से, यानी एक्स का वैल्यू अगर हम फिक्स कर दे, तो ये पूरा फंक्शन का वैल्यू फिक्स हो जाएगा। जैसे इस केस में एक्स का वैल्यू क्या करा है, नीचे पे 1 करा है, तो 1 अगर फिक्स करते हैं तो 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 1 और कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो इस केस में मैंने क्या किया कि ये जो फंक्शन है, ये जो पूरा फंक्शन है, इसमें ये जो एक्स के कारण जो काम कर रहा था, यहाँ पे जो अपना एक्स है, एक्स क्या कर रहा था इस फंक्शन में, मेन इसी का रोल था। तो अगर हम इसके वैल्यू को अगर फिक्स कर दे, वैल्यू को फिक्स कर दे मतलब वैल्यू पर क्या कर दे, लिमिट लगा दे, मतलब अगर इसके वेरिएबल पे हम लोग लिमिट लगा दे तो हम लोग पूरे के पूरे फंक्शन पर लिमिट लगा सकते हैं, ठीक है। ये लिमिट का मैथ में सिंपल सा मतलब होता है और ऐसा मतलब अपने क्लास लेवल में भी जाना होगा या नहीं भी जाना होगा। तो इस केस में हमने क्या किया कि हमारे पास पूरा फंक्शन है x2+1, यहाँ पे वेरिएबल है एक्स, इसको हम लोग लिमिट कर दे रहे हैं। लिमिट क्यों करना चाह रहे हैं, ताकि ये जो हमारा वैल्यू है x2+1 का वो भी क्या हो जाए, लिमिट हो जाए। जैसे इस केस में अगर हम एक्स के वैल्यू को 1 से लिमिट कर देते हैं, इट मींस इस केस में अगर हम वैल्यू को क्या कर रहे हैं, 1 से लिमिट कर दे रहे, तो लिमिट मैंने किया तो नेट रिजल्टेंट क्या वैल्यू निकल गया, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, इट मींस 2 निकल गया। तो इसी को हम लोग लिमिट कहते हैं। अब लिमिट की जरूरत क्यों पड़ी इसे समझिए, ठीक है। मैथ में आखिर ये क्यों जरूरत था, क्योंकि नॉर्मली भी कोई कह सकता है कि x2+1 का वैल्यू फाइंड कीजिए, आपने अलजेब्रा में पढ़ा होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ x2+1 एट x=1, तो इस तरीके से भी तो मैथ में चलता, लेकिन इसकी जरूरत क्यों पड़ी ये समझिए। इसकी जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि बहुत सारे ऐसे सिचुएशन थे जिसमें जब हम लोग सॉल्व करते थे प्रॉब्लम को तो हम लोग को मिल जाता था इनडिटर्मिनेट टर्म, ठीक है, मतलब जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे कभी हम लोग को मिल जाए ∞/∞, तो ये टर्म क्या है अपना, इनडिफाइन टर्म है, इसको हम लोग डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो मैथ के प्रॉब्लम में, जैसे इस केस में अगर हम लिखते हैं x2-1 और x2-1 हम लोग लिखते हैं और इसको हम लोग लिख देते हैं x-1, ठीक है। लेट अस सपोज हमने क्या लिखा, x2-1 और x-1, और हमने कहा कि वैल्यू ऑफ फाइंड कीजिए x=1 पे। अब देखिए फाइंड करें अलजेब्रा के अकॉर्डिंग, जो अलजेब्रा हमें सिखाता है, तो अलजेब्रा कहता है वैल्यू फाइंड करना है तो पुट कीजिए, तो 1 का स्क्वायर 1 - 1 / में फिर 1 - 1 यानी 0/0। अब 0/0 का आंसर क्या होगा,
जीरो लिखे, या जैसे हम लोग जानते हैं कि एक बटा एक, तो एक एकम एक, तो जीरो जीरो एकम जीरो एक लिखे, यहाँ पे क्या लिखे, इस प्रकार का सिचुएशन मैथ में मिल जाता था। तो इसी चीज को क्या किया, ये क्या बताया कि आप एक्स इक्वल टू वन पुट की अलजेबरा के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास कुछ ऐसे टर्म्स आ गए दैट कांट बी डिफाइंड, इसको हम डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं। तो इसी सिचुएशन से निकलने के लिए लिमिट का खोज हुआ, लिमिट को डेवलप किया गया। अब लिमिट इस चीज पे लगाएंगे, मतलब लिमिट करने का मतलब वैल्यू को लिमिट कर देंगे एक तक, ठीक है। यहाँ का जो मतलब होता है, ये जो नीचे देख रहे हैं एक्स टेंड्स टू वन, इसका मतलब होता है कि एक्स का वैल्यू एक के बहुत नजदीक है बट एक नहीं है, जैसे 0.99999 तक हो सकता है बट एक नहीं होगा, ठीक है। तो लिमिट क्या है, लिमिट का क्यों जरूरत पड़ा, ये बात आप समझ गए होंगे, इतना समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब जो क्वेश्चन पूछता है आपके टेस्ट में, क्वेश्चन आपके टेस्ट में पूछेगा इनडिटर्मिनेट फॉर्म के बारे में, जैसे ध्यान रखिएगा 0/0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, 0×∞, इन्फिनिटी, ये सब क्या है, इनडिटर्मिनेट टर्म है। तो आपसे सीधा से एमसीक्यू क्वेश्चन में देगा कि विच इज इनडिटर्मिनेट फॉर्म, कौन इसमें से अपरिभाषित टर्म है, 0/0 5, और मान लेते हैं इन्फिनिटी/0 2, इस तरीके से 0/0। तो ये मैथ में ये अपना टर्म क्या कहा जाएगा, 0/0 इनडिटर्मिनेट टर्म कहा जाएगा। तो पहला क्वेश्चन का जो वैरायटी है लिमिट में वो यही है, ठीक है, ये अपनी पहली वैरायटी हो गई। आगे बढ़ते हैं, लिमिट के बारे में आप समझ गए, लिमिट का काम क्या होता है, लिमिट का मेन काम क्या है। अब देखिए लिमिट में आपका जो क्वेश्चन पूछेगा वो समझिए, लिमिट का मेन काम है कि कभी भी आंसर में इनडिटर्मिनेट टर्म नहीं आने देना, ठीक है, ये लिमिट का अपना काम है, मतलब ये सारा टर्म कभी भी नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो लिमिट का मेन मतलब यही है कि जब भी आप आंसर को फाइंड कीजिए तो ये वाला टर्म नहीं मिलना चाहिए। अगर आपको टर्म ये सब मिल जा रहा है तो आप अपने कैलकुलेशन के, आप अपने कैलकुलेशन के तरीके को बदलिए, ये कहता है लिमिट। क्या कहता है कि अगर आपको आंसर इस प्रकार का मिल रहा है देन यू हैव टू कन्वर्ट, आपको इसके कैलकुलेशन का प्रोसेस बदल देना है कि आंसर ये सब नहीं आए, ठीक है। तो इसी को हम लोग लिमिट कहते हैं, जैसे इस केस में। और अगर आंसर जीरो नहीं आ रहा है, अगर आंसर इनडिटर्मिनेट फॉर्म का नहीं आ रहा है तो सिंपल सा पुट कर दीजिए, वही उसका आंसर होगा। जैसे इस केस में लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एक्स स्क्वायर प्लस वन पे निकालना था, तो हम लोग क्या कर रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन पे, तो हम लोग पुट किए यहाँ पे, पुट करे क्या कर रहा है, एक्स का वैल्यू कर रहा है कि एक के बराबर है, तो इसको हम लोग पुट करते हैं, तो एक का स्क्वायर एक प्लस एक। इस केस में जो हमारा आंसर आया वो दो आया, और ये जो आंसर दो आया है वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, इसलिए ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। लेकिन अगर यही क्वेश्चन हमारा कुछ इस तरीके से ले, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन एक्स स्क्वायर माइनस वन बाई में एक्स माइनस वन, अगर इस केस में हम एक्स बराबर वन पुट करें तो एक का स्क्वायर एक माइनस एक, एक माइनस एक जीरो, इस केस में हमारा आंसर क्या आ जा रहा है, 0/0। तब यहाँ अब अपना लिमिट काम करेगा, लिमिट क्या काम करेगा, लिमिट हमको कहता है कि भाई जब आपने आंसर पुट किया तो आपका आंसर इनडिटर्मिनेट फॉर्म का आ रहा है तो ये वाला प्रोसेस आप नहीं अप्लाई कीजिए, आप अपने प्रोसेस को चेंज कीजिए। तो लिमिट हम लोग को कई सारा प्रोसेस सिखाता है, लिमिट एक प्रोसेस हम लोग को सिखाता है फैक्टराइजेशन का, मतलब इसको फैक्टर के फॉर्म में तोड़िए। तो ये क्या है, ए स्क्वायर, और एक का स्क्वायर कह सकते हैं तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन बाई में एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन से एक्स माइनस वन कट गया, बच गया क्या, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन और एक्स प्लस वन। अब इस केस में फिर से मन में वैल्यू पुट करके देखेंगे, अब एक रखे तो एक एक दो होता है, अब दो तो इनडिटर्मिनेट टर्म नहीं है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या है, दो है। तो यही लिमिट है, लिमिट है क्या, क्वेश्चन क्या दोनों फॉर्म, मतलब इन, मतलब जो ये वाला बोल रहा है जैसे 0/0 आ जाएगा तो ये वाला भी देगा, क्वेश्चन आपको ये वाला फॉर्म का नहीं देगा, क्वेश्चन जो भी देगा ना वो आपको लिमिट निकालने वाला देगा, ठीक है। तो ये क्लियर है, ठीक है, ये क्लियर रहेगा कि मे भी लिमिट निकालना है, मतलब तरीका लगा के बनाइएगा, ठीक है, कि 0/0 तो नहीं देगा, बिना इनडिटर्मिनेट फॉर्म वाला नहीं देगा, जैसे आंसर अगर 5 आ जाएगा तो एक देगा, वो कोई भी प्रकार का दे सकता है, ठीक है। आपका मेन काम है कि भाई इस तरीके से बनाइए कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये आपका मेन काम है। तो अब देखिए, अब लिमिट को बनाने का क्या क्या तरीका है ये समझिए, ठीक है, मतलब प्रॉब्लम जब भी लिमिट का है तो नॉर्मल, मतलब अभी बात कर रहे हैं अलजेबरा, मतलब अभी हम बात कर रहे हैं किसका, अभी हम बात कर रहे हैं बस अलजेबरा का, ठीक है।
क्वेश्चन फॉर्मूला मैक्सिमम पूछता है इस चैप्टर से। अभी हम बात कर रहे हैं अलजेब्रा का, मतलब जिसमें एबीसीडी रह जाए और नंबर रह जाए, वैसा वाला का बात करें। अगर दिस टाइप का, अगर इस टाइप का लिमिट मिल जाए तो इसका तरीका सिंपल सा क्या क्या लगाइए ताकि आंसर जीरो बाई जीरो न आए। तो पहला तरीका है डायरेक्ट पुटिंग, ठीक है, डायरेक्ट पुट कर दीजिए, सब कुछ इस पीडीएफ में बताया गया, डायरेक्ट पुट कर दीजिए। दूसरा तरीका है या तो फैक्टर के फॉर्म में तोड़ दीजिए। तीसरा तरीका है या तो रेशनलाइज कर दीजिए, इस सबका नाम जो सुन रहे हैं ना, रेशनलाइज मतलब परिमेयकरण, या तो रेशनलाइज कर दीजिए, या तो कुछ फॉर्मूला है स्टैंडर्ड, कुछ फॉर्मूला है स्टैंडर्ड फॉर्मूला के बताएंगे उसका यूज कर दीजिए, या फिर ये बस स्टेप है, ठीक है, एक दो तीन चार, चार चीज का यूज कीजिए, आंसर आपका निकल जाएगा। समझ में आ गया? अब चलिए इस पर ट्राई करते हैं। क्वेश्चन एकदम आसान सा पूछता है, फॉर्मूला वगैरह पीछे देखेंगे बाद में, पहले समझिए इस पर बेस्ड। जैसे क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंस टू वन, थ्री एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फाइव, ये आपको क्वेश्चन दे दिया, इसका आंसर क्या होगा? बोलिए इसका आंसर क्या होगा? बारह सर। और उनको समझ में आ रहा है जो बता रहे हैं? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बारह इसका आंसर हो जाएगा। आसान है? हाँ, ऐसा फॉर्म में देगा सर? हाँ आंसर देगा, ऑप्शन में रहेगा, आप उसको चूज कीजिएगा। हाँ, ऐसा फॉर्म में बता रहे, अभी अभी तो बेसिक बताया ना, बता रहे हैं, एक ही बार नहीं उड़ा दे यहाँ तक। इसके बाद एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक्स टेंड्स टू ए अंडर रूट एक्स प्लस अंडर रूट ए बाई में एक्स प्लस ए, इसका आंसर बताइए। ए बाय टू ए, ए बाय टू ए होगा सर, ए बाय टू ए। बोल रहे हैं आप लोग ए बाय टू ए, ऐसे कट गया, मतलब वन बाय टू, वन बाय टू। हाँ सर, सर काटे नहीं सर। आंसर, आंसर गलत है। फिर पुट कर रहे हैं, पहला काम क्या है कि इस केस में, इस केस में हाँ ठीक है, तो रख रहे हैं, देखिए एक्स की जगह पे क्या रख रहे हैं अभी आप लोग, आंसर एट द रेट, क्या आप लोग गलती बोले पता नहीं, देखिए रख रहे हैं एक्स की जगह एक एक ए रख रहे हैं, हो जाएगा अंडर रूट ए बाई में ए और ए टू ए, है ना? तो एक अंडर रूट ए दो, तो कितना हो जाएगा टू अंडर रूट ए बाई में टू ए, ठीक है सर, रूट ए बाई ए होगा सर, एट द रेट अंडर रूट ए हो गया, और ए को हम लोग तोड़ सकते हैं अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए, है ना, अंडर रूट ए से अंडर रूट ए कटा, यानी नेट आंसर क्या हो गया, वन बाई रूट ए, ठीक है, ये हो गया। ये हो गया बेसिक बेसिक, ठीक है, लेकिन बेसिक इतना भी नहीं पूछेगा, ठीक है, कभी कभी पूछता है इतना बेसिक, लेकिन इतना बेसिक भी नहीं पूछेगा, ये बेसिक हो गया। अब चलिए अब इसे आगे बढ़े, आगे स्टेज में, ठीक है, प्रैक्टिस आप लोग कीजिएगा, प्रैक्टिस से मेन आपका काम होगा। अब मेन चैलेंज है कब आपका, जब आपको दिमाग लगाना है, ठीक है, मतलब सिचुएशन ऐसा होगा ना कि आंसर आपका जीरो जीरो आएगा, तो उस टाइम सेकेंड कॉन्सेप्ट बताया है कि फैक्टराइजेशन लगाना है, मतलब फैक्टर के फॉर्म में तोड़ना है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और क्वेश्चन ज्यादा जटिल नहीं पूछेगा, ठीक है, ध्यान रखना है हमेशा, क्वेश्चन हमेशा ट्रिकली पूछता है क्योंकि एमसीक्यू है ना, बोर्ड का तो एग्जाम है ना, ट्रिकली पूछेगा, एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगाइएगा बन जाएगा। क्वेश्चन देखिए ये है, सॉल्व कीजिए, लिमिट एक्स टेंड्स टू फोर एक्स स्क्वायर माइनस सोलह बाई अंडर रूट एक्स माइनस टू, सर वो 16 है। हाँ 16 है, सर जीरो बाय जीरो,
फिर अभी बोले ना कि लिमिट का काम है, जीरो बाई जीरो कभी भी आने नहीं देना है। चलिए देखिए, इस केस में क्या है, जो प्रॉब्लम दिया गया है आप उस पर अगर जनरली अगर आप पुट कीजिएगा वैल्यू तो देखिएगा जीरो बाई जीरो आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन का लिमिट एक्स टेंस टू फोर एक्स स्क्वायर माइनस सोलह बाई में अंडर रूट एक्स माइनस टू। ठीक है, अगर आपने पुट किया होगा तो पुट करने पे आपको पता चला होगा कि आंसर क्या आ जा रहा है, जीरो बाई जीरो आ जा रहा है। ठीक है, और जीरो बाई जीरो आ रहा है तो हम आपको इसका सबसे आसान तरीका बता रहे हैं, ठीक है ना, ताकि मेरा भी टाइम बचे और आपका भी टाइम बचे। डिफरेंशिएशन बेसिक, डिफरेंशिएशन जान रहे हैं ना बेसिक? यस सर। डिफरेंशिएट करने के लिए जानते हैं बेसिक? तो एक रूल है, इसमें एक रूल है, ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल के बारे में सुने हैं ना हम, क्लास इलेवन में पढ़े होंगे, क्लास इलेवन में नहीं थोड़ा सा क्लास ट्वेल्व में पढ़े होंगे, अगर आपके टीचर स्टैंडर्ड लेवल के होंगे मतलब ग्रेजुएशन वगैरह का नॉलेज होगा तब एल हॉस्पिटल एक रूल है। ठीक है, एल हॉस्पिटल रूल कहता है, यही कहता है, ये एल हॉस्पिटल रूल का मतलब ही है कि लिमिट को हॉस्पिटलाइज्ड कर देना। ठीक है, मतलब अगर जी अगर आपके पास टर्म आ रहा है इनडिटरमिनेट, अगर आपके पास टर्म आ रहा है जिसको आप डिफाइन नहीं कर सकते, जैसे इस केस में क्या आ गया था, जीरो बाई जीरो आ गया था ना, जिसको हम लोग डिफाइन नहीं कर पा रहे, तो कहता है कि आप उसमें क्या कर दीजिए, आप कर दीजिए कि आप पहले चेक कीजिए, चेक करने के बाद आपको पता चल गया कि इनडिफाइन टर्म आ रहा है तो आप उसमें क्या कीजिए कि डिफरेंशिएट कर दीजिए, ऊपर वाला को भी डिफरेंशिएट कर दीजिए, नीचे वाला को भी डिफरेंशिएट कर दीजिए, और डिफरेंशिएट करने के बाद रख करके देखिए कि आंसर जीरो, आंसर डिफाइन करने वाला आ रहा है या बिना डिफाइन करने वाला आ रहा है। अगर डिफाइन करने वाला आ गया तब तो वही आपका आंसर हो गया, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो फिर से उसको डिफरेंशिएट कीजिए। अभी कुछ समझे होंगे कुछ नहीं समझे होंगे, लेकिन चलिए हम इसको डायरेक्ट बनाते हैं, इसी को हम लोग कहते हैं एल हॉस्पिटल लॉ। ठीक है, अब इसको हम बनाते हैं, समझ में आ जाएगा। जैसे इस केस में अभी आपने पुट किया था ना, वैल्यू आपको क्या मिल गया था, जीरो बाई में जीरो बाई जीरो, तब ये बेस्ट कंडीशन है हॉस्पिटल रूल को लगाने के लिए, है ना। अब देखिए लगा रहे तो एल हॉस्पिटल रूल यही कहता है कि आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, लेकिन डिफरेंशिएट सबको कीजिएगा, तो यहाँ पे ऊपर वाला को डिफरेंशिएट करें, देखिए डिफरेंशिएट करेंगे क्या हो जाएगा, टू एक्स, ठीक है, सोलह तो खत्म, आगे बढ़ रहे हैं, रूट एक्स को डिफरेंशिएट कीजिए, तो रूट एक्स मतलब क्या है, एक्स टू पावर वन बाई में टू, है ना, हो जाएगा वन बाई टू इंटू में एक्स, वन बाई टू पे एक माइनस जाएगा, है ना, तो फाइनल क्या हो जाएगा हम लोग को, इस केस में हम लोग को फाइनली क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हम लोग को मिल जाएगा वन बाई टू अंडर रूट एक्स, मिलेगा ये, हाँ सर, रूट एक्स का वन बाई टू रूट एक्स, माइनस टू तो अपना खत्म, यानी हम लोग के पास क्या हो गया, टू एक्स और वन का वन नीचे, ऊपर गुना होने में क्या चल गया, टू अंडर रूट हो गया। अब सॉल्व कर रहे हैं, दो दूना चार, एक्स अंडर रूट एक्स, एक्स का वैल्यू रखे क्या करा है, चार रख रहे हैं, तो चार चौके सोलह, सोलह और चार का रूट दो, सोलह दूना, सोलह दूना बत्तीस। अब ये डिफाइन है या इनडिफाइन है, डिफाइन, तो यही इसका आंसर है, समझ गए, ये हम एकदम हार्ड से हार्ड डिफरेंशिएशन का बनाने का, हार्ड से हार्ड लिमिट बनाने का यही तरीका है, समझ गए ना, इसी को हम लोग एल हॉस्पिटल रूल कहते हैं, और ये वाला जो रूल जानता है तो इसी पर काम होता है एनडीए और जितना एग्जाम होता है क्लास ट्वेल्थ के लेवल पे मैथ वगैरह में, उसका बच्चा ये जरूर बात जानता है। ठीक है, तो ये बात हम आपको बता दिए, अब इस पर दुनिया का कोई भी क्वेश्चन आ जाए लिमिट का एकदम तुरंत बनेगा। ठीक है, बट याद रखिएगा ये कब काम करता है, जब टर्म क्या हो, इनडिफाइन हो, ठीक है, जीरो बाई जीरो चाहे इन्फिनिटी चाहे जीरो टू पावर इन्फिनिटी, अभी बता रहे हैं ना, ये सब इनडिफाइन टर्म है, ये सब टर्म इनडिफिनिट इनडिफाइन टर्म है। ठीक है, अब आपको पता चल गया अगर तेज गति से, तब हमको आंसर करके बताइए जल्दी से। ठीक है, क्वेश्चन एकदम ट्रिकली है,
तुरंत लगाइए एल हॉस्पिटल लॉ बन जाएगा। क्वेश्चन है 1/(x-1) और माइनस में 2/(x²-1) बताना इसका क्या होगा वैल्यू। बस इतना से ये अपना लिमिट वाला मेन पोर्शन खत्म। चलिए बताइए जल्दी से, क्वेश्चन बना? सिंपल सा तरीका भी जस्ट बताए कि आप भाई रख के देखे, पहले एक रख के देख रहे हैं तो एक एक जीरो हो जाएगा, यानी 1/ क्या हो जाएगा, 1/0 आ रहा है, तो माइनस 2/0 और 2/ क्या भी हो रहा है, जीरो हो रहा है। हाँ सर, तो इस सिचुएशन में ये कैसा टर्म है, डिफाइन है या इनडिफाइन है? 1/0 क्या होता है, 1/0 क्या होता है, डिफाइन। 1/0 का आंसर क्या आता है, 1/0 का आंसर जीरो होगा या इन्फिनिटी होगा? इन्फिनिटी सर। तो ये क्या टर्म आ गया, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, यानी इन्फिनिटी कैसा टर्म है, इनडिफाइन टर्म है। हाँ सर। तो इस केस में अब बनाने के लिए अब आपके पास डायरेक्ट तो पुट करने वाला काम चलेगा नहीं इसमें, या तो अब इसको फैक्टराइज करके बना लीजिए तो भी आपसे बन जाएगा, यानी तो डिफरेंशिएशन कीजिए, इसको डिफरेंशिएट कीजिए पूरा, इसको डिफरेंशिएट कीजिए पूरा, जैसे आपको समझ में आए। तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो लेंदी हो जाएगा थोड़ा सा, इससे अच्छा फैक्टराइजेशन है, जैसे समझ में आ जाए वैसे बना लीजिए। देखिए हम फैक्टराइज कर रहे हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1, यहाँ पे क्या कर दिया कि 1/(x-1) हम कॉमन ले ले रहे हैं, तो 1/(1-2) और यहाँ क्या है, a²-b² क्या होता है, a+b(a-1) बच गया x+1। हाँ यहाँ तक आ गया ना। हाँ सर। अब क्या कीजिए कि हमेशा ध्यान रखना है, जब तक टेक्निक लगाना है जब तक ये आंसर अपना क्या हो जाए, इनडिफाइन नहीं आना चाहिए। अब हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ देखिए शॉर्ट में कर रहे हैं, ठीक है, 1/(x-1) हो गया इधर, ठीक है। अब इसको एलसीएम लीजिए, सॉल्व कीजिए, x+1 हो जाएगा नीचे। हाँ सर। यहाँ हो जाएगा x+1 -2। अब खुद बोलिए x+1 -2 आंसर क्या होगा, x-1 होगा, x-1 काट देगा। हाँ सर, 1/(x+1) यानी बस गया लिमिट एक्स टेंड्स टू 1/(1)x+1। अब एक रख के देखे तो एक एक दो, आंसर नहीं ना इनडिफाइन है, डिफाइन है ना। हाँ सर, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 हो गया। समझ में आ गया सर, रिकॉर्डेड वीडियो दे दीजिएगा सर इसका। अच्छा ठीक है, रिकॉर्डेड रहेगा, ये बात समझ में आ गया। देते नहीं है, अपलोड हो नहीं रहा था, ठीक है, अब आज से अपलोड होना स्टार्ट हुआ है, अपलोड किए हैं, जरूर से दे दीजिएगा। ठीक है बिल्कुल दे देंगे। अच्छा ठीक है, रिकॉर्डेड है, ये समझ में आ गया। ये लिमिट का दूसरा वैरायटी भी देख लिए, ठीक है, और ये वाला वैरायटी का आएगा, जिस वैरायटी के बारे में भी बात किए हैं ये वाला देगा, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा सबसे आसान तुरंत बनेगा,
एल रूट पे, ठीक है, हॉस्पिटल रूट पे बनेगा, वैसा वाला देगा जो तुरंत हॉस्पिटल रूट पे फिट खा जाए, मतलब जिसका डिफरेंशिएशन करना टफ नहीं होगा। सेकंड वेराइटी सीख लिया। तीसरा वेराइटी रूट वाला का, ठीक है, तीसरा वेराइटी रूट वाला का, मतलब जिसपे आपको, जिसमें आंसर क्या होगा ना, आंसर में जनरली आपको करना पड़ेगा रेशनलाइजेशन। रेशनलाइजेशन का मतलब आंसर जब आप आंसर मतलब कि मैक्सिमम उसमें रूट रहेगा, ठीक है, अगर रूट रह जाए तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाइएगा, ठीक है, रूट वूट अगर दिख जाए तो ये वाला कॉन्सेप्ट लगाइएगा, इसी को कहते हैं रेशनलाइजेशन। जैसे क्वेश्चन, ठीक है, लेकिन ज्यादा लंबा गुना भागा नहीं करना है, ठीक है, और ज्यादा लंबा लेंदी क्वेश्चन नहीं देगा। जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू फोर और यहाँ पे है थ्री माइनस में फाइव प्लस एक्स, फिर साथ में है वन माइनस फाइव माइनस एक्स, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, अगर आप यहाँ पे अपने मन से फोर रखिएगा ना, देखिए फोर रख रहे हैं तो पांच चार नौ, नौ का रूट होता है तीन, तीन तीन कट के दे देगा जीरो, यहाँ अगर रखेंगे चार तो पांच में से चार जाएगा एक, एक का रूट एक, एक एक कट के फिर दे देगा क्या जीरो। ये कैसा है, ये अपना इनडिफाइन है, ठीक है, तो हमको चाहिए इसमें क्या, हम इसमें लगा सकते हैं एल हॉस्पिटल रूल कर सकते हैं, ठीक है, देखिए लगा रहे हैं तो एल हॉस्पिटल रूल करता है, ऊपर भी डिफरेंशिएट कीजिए नीचे भी कीजिए, कर रहे ऊपर डिफरेंशिएट तो तीन का जीरो हो गया, माइनस हो गया ना। अब ये क्या है, इसका मतलब क्या है, फाइव प्लस एक्स पे रूट वन बाई टू, यही ना, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा वन बाई टू अंडर रूट फाइव प्लस एक्स, डिफरेंशिएशन जान रहे हैं ना, और फाइव और एक्स का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो फाइव कट के हो गया जीरो और एक्स का हो जाएगा वन, ठीक है, बटे में वन का तो खत्म हो जाएगा कहानी, जीरो माइनस वन बाई टू अंडर रूट फाइव माइनस एक्स हो गया, और इसका करेंगे तो कट के क्या बचेगा, देखिएगा गौर से, माइनस वन वन। अब सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, सबको सॉल्व कर रहे हैं, अब तो सॉल्व कर रहे हैं, मतलब सॉल्व भी कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे देखेंगे चेक करके, ठीक है, कि अभी भी आंसर मेरा जीरो फेंक रहा है या मेरा काम बन रहा है, देखिए कर रहे हैं, ठीक है, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं या इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखिए तेजी से माइनस प्लस हो गया, अब नीचे का टू टू कट गया, यहाँ बच गया वन बाई अंडर रूट फाइव और गुना में ये जो फाइव माइनस एक्स है वो क्या चल जाएगा ऊपर में, ऊपर। अब पुट कीजिए, चार पुट करके देखे तो अभी भी आ रहा है इनडिफाइन टर्म, पुट कर रहे हैं तो पांच में से यहाँ हो गया पांच में से चार गया एक, एक का रूट होता है एक, आप पांच चार नौ, नौ का रूट होता है तीन, आंसर क्या हो गया वन बाई थ्री। यही है लिमिट, ठीक है, यही लिमिट का खेल है कि एल हॉस्पिटल रूल जो समझ गया वो दुनिया का कोई भी हार्ट से हटा दो, अगर इसी चीज को बनाइएगा रेशनलाइज करके तो एक पेज से ज्यादा में बनता है, ठीक है ना, अब आंसर आता है यही, लेकिन बनता है आंसर फिर एक पेज से ज्यादा में, या माइनस साइन छोड़ रहे माइनस वन बाई थ्री, ठीक है ना, समझ गया ना, तो ट्रिकली क्वेश्चन देगा आपके टेस्ट में, लिमिट से ट्रिकली क्वेश्चन देगा, लेकिन मैक्सिमम लिमिट डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पे डायरेक्ट फार्मूला पूछता है, क्योंकि जान रहा है कि सब बच्चा तेजे नहीं होता है, ठीक है ना, और एल हॉस्पिटल रूल के बारे में 11-12 में पढ़ाया नहीं जाता है, ठीक है, हाँ यही तो सुन रहे ना, तो अभी आगे बढ़ रहे, तब हम लोग पढ़े ना, हम पार्ट वन में मैथ पढ़े थे, पार्ट वन पार्ट टू से मैथ पढ़े थे तो पता है, ठीक है ना, तो ये अपना लिमिट के बारे में बात हो गया, और लिमिट का इतना ही बेसिक एल हॉस्पिटल लगाइए सब बनाइए, ठीक है, ठीक। तो लिमिट बढ़ गए यहाँ तक आगे, अब लिमिट में एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है जिस पर क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट, इस फॉर्मूला अभी बोले थे ना कि एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, इसका नाम लिए थे, स्टैंडर्ड फॉर्मूला क्या है देख लीजिए, स्टैंडर्ड फॉर्मूला कहता है कि अगर आपको कहीं पर लिमिट में इस प्रकार का फॉर्म मिल जाए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए और यहाँ फॉर्म आपके पास रहे एक्स टू पावर एन माइनस ए टू पावर एन वाई में एक्स माइनस ए, कहीं ऐसा फॉर्म आपको दिख जाए तो इसका आंसर होता है बस ये वाला फॉर्मूला याद रखना है, ठीक है, जैसे और ये वाला फॉर्मूला पे क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि ये डायरेक्ट फॉर्मूला एकदम ट्रिकली है, तुरंत सॉल्व हो जाता है, और बहुत कोई सोचता है कि सॉल्व नहीं होगा, लेकिन बता रहे हैं कि अगर कुछ भी सॉल्व नहीं हो तो इसमें भी लिमिट रूल लगा करके, डिफरेंशिएशन रूल लगा करके आंसर ला सकते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है और इसका, इसी का एक दूसरा फॉर्म है, पहले इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है लिमिट एक्स टेंड्स टू टू और यहाँ पे एक्स टू पावर टेन माइनस 1024
और बटे में है x माइनस टू, इसका आंसर क्या होगा बताइए। जल्दी जल्दी कवर किए, 5 बज गया। तो इस केस में ये जो प्रॉब्लम है अपना, इस प्रॉब्लम में हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो हम लोग को क्वेश्चन मिला था वो कुछ इस डिजाइन का था। इसमें क्या था, लिमिट था, लिमिट एक्स टेंड्स टू क्या था, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू था, और ऊपर में क्या था, एक्स के पावर 10 माइनस 10 से 24 बटे में एक्स माइनस टू। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसका फॉर्म x टू पावर n भी दिख रहा है, x माइनस a भी दिख रहा है। अगर ये a की पावर n में एक्सप्रेस हो जाता तो पूरा फॉर्मूला हम लोग का क्या हो जाता, फिट हो जाता। इसको फिट कर रहे हैं तो हम लोग लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू टू x टू पावर n x टू पावर 10 माइनस 1024 किसका होता है, x प्लस टू क्या, x प्लस x टेंड टू x प्लस टू है ना सर। हाँ, एक्स टू पावर 10 माइनस 2 के पावर 10, 10 से 24 मतलब क्या होता है 1024 मतलब होता है 2 का पावर 10 बटे में x माइनस 2। अब हम लोग देख रहे हैं कि इसका जो फॉर्म है वो कुछ इस तरीके से मिल गया, लिमिट x टेंड्स टू a x टू पावर n माइनस a टू पावर n बाई x माइनस a। तो जब भी ऐसा फॉर्म मिल जाए तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला क्या, n इंटू a टू पावर n माइनस 1। तो n क्या है 10, इंटू a क्या है 2, n इंटू n इंटू ए एन एन माइनस 1, तो n हमारा 10 है, 10 में से क्या 9, यानी करेक्ट आंसर क्या हो गया 10 इंटू 2 के पावर में 9, इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये वाला फॉर्म का मे भी आ सकता है, ये वो इसको ध्यान रखिएगा लिमिट में, और एक ध्यान रखिएगा एल हॉस्पिटल रूल वाला। यहाँ तक प्लस टू वहां तो लिखा हुआ है, पे लिमिट एक्सटेंड टू टू रखने प्लस नहीं है, वो इसी तरीके से एरो है। वही अब पता है प्लस टू पे कर रहा है, नहीं रहा है। अब इसका एक दूसरा वैरायटी देखिए, ठीक है, जिसपे क्वेश्चन पूछता है, और क्वेश्चन पूछा भी है, इस पे क्वेश्चन है कि अगर आपको बता दिया जाए, अगर आपको क्वेश्चन कह दे कि लिमिट एक्स टेंड्स टू, लिमिट एक्स टेंड्स टू टू इंटू एक्स टू पावर एन माइनस टू का पावर एन बटे में, बटे में यहाँ पे है एक्स माइनस टू बराबर आपको 80 दे दे, तो आपको बताना है एन का वैल्यू क्या होगा। तो इस केस में सिंपल सा क्या देखेंगे हम लोग, हमको एन का वैल्यू का पता करना है। तो पहला चीज इसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम अपना देखते हैं। तो ये फॉर्म क्या है, x टू पावर n माइनस a टू पावर n बाय में x माइनस a, तो हम लोग जानते हैं इसका मतलब होता है n इनटू a टू पावर n माइनस 1। तो n हमारा पता है, n का n हो गया, a का हो गया 2, n माइनस 1 का n माइनस 1 बाय बराबर में क्या हो जाएगा 80। अब इसको सॉल्व करना है, तो ये हो गया n, और ये क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है 2 का पावर n माइनस 1, यानी कह रहा है 2 का पावर n माइनस 1, तो माइनस को हम नीचे ले सकते हैं 2 में इस तरीके से, है ना। ये समझ में आया, पावर घट रहा है, मतलब क्या है डिवाइड है ना। यस सर, बराबर 80। अब सॉल्व कर रहे हैं, अब इसको सॉल्व कर दे रहे हैं थोड़ा सा इजी, तो इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि n इंटू में 2 का पावर n और 80 गुना 2 क्या हो जाएगा 160 हो जाएगा, है ना, 160 यस सर, 2 गुना 80। ठीक है, इसको इस तरीके से लिख दे रहे हैं। अब देखिए, अब थोड़ा सा अपना टेक्निक लगाइएगा, ठीक है, 2 का पावर n है, तो बताइए क्या यहाँ पे फिट करे, इसको किस तरीके से हम एक्सप्रेस करें कि इस फॉर्मूला में फिट कर जाए, इतना सोच पाते हैं। यानी कहने का मतलब क्या कर रहा है, n गुना 2 के पावर n इंटू में 2 गुना 80 करा था, है ना,
अब जरा सा ये टू का पावर एन इधर साइड है, इसका मतलब इधर भी हमको कैसे एक्सप्रेस करना पड़ेगा टू के पावर एन में, तो टू का पावर एक रखते हैं तो दो ही होगा, काम नहीं चलेगा। आगे अगर सोचते हैं मतलब एन एन दोनों वैल्यू भी इक्वल हो जाना चाहिए, मतलब इसको अब सॉल्व करना है। अब कैसे आप लोग सीखे हैं बेसिक, हम देखे सॉल्व करके दे रहे हैं आपको, ठीक है। इसको इस केस में क्या कर सकते हैं, इसको आप क्या लिख सकते हैं, इसको इस तरीके से, इसको ये जो अपना यहाँ पे फॉर्म लिखा गया है इसको हम इस तरीके से लिख रहे हैं, इसको हम इस तरीके से लिख रहे हैं, मान के चलते हैं कि ये अपना है ना टू, इसको हम लिख रहे हैं, ये क्या अपना हो गया टू हो गया, और 80 को हम लोग को लिखना है टू के पावर एन के फॉर्म में, तो दो गुना चार, देखिए एक सेकेंड, इसको इस तरीके से दो गुना चार कितना होता है 16 80 है ना, मतलब इसको हमें एक्सप्रेस करना है इस तरीके से ना कि दोनों साइड इक्वल हो जाए, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं क्या टू का पावर 4, और 4 और 1 क्या हो जाएगा पावर 2 का पावर 5, यानी हम इसको सिंपल सा कह सकते हैं 2 के पावर 5 इंटू में 5 है ना। अब देखिए ऑटोमेटिक, देखिए ऑटोमेटिक, देखिए 2 का पावर 5 यानी 2 का पावर एन इंटू एन, दिख रहा है फॉर्म क्या हो गया, सेम हो गया। मतलब जो ऑप्शन दिया रहेगा ना उसको पुट कर लीजिएगा, ऑप्शन कहेगा 5 तो देख लीजिएगा 5 रखने पर फिट होता है, तो 5 गुना 2 के पावर 5 देखिएगा 160 आ जा रहा है, ऑप्शन से वहां मदद मिलेगा, इस केस में आंसर क्या हो गया इसका 5 हो गया, ठीक है। इस केस में आंसर क्या हो गया 5 हो गया। तो ये वाला है मतलब n into a to power n minus 1 पर एक टाइप का प्रॉब्लम बन सकता है। पहला समझ में आ गया आपको, अब आगे बढ़ रहे हैं लिमिट का प्रॉब्लम, अभी लगाएंगे हम लोग ट्रिगो के लिए भी फॉर्मूला आएगा, ये लिमिट मैंने आपको बता दिया, ये तो एक्सपेंशन है और ये अपना इंपॉर्टेंट लिमिट है ट्रिगो के केस में, और ये लिमिट बन रहा है कैसे सब यहाँ बताया गया, सब्स्टिट्यूशन एक्सप्रेशनलाइजेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में है, और ये सब इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हो गया, डायरेक्टिव फॉर्मूला ही पूछता है इस चैप्टर में, या तो ये वाला क्वेश्चन डायरेक्ट फॉर्मूला भी पूछेगा, हाँ डायरेक्ट फॉर्मूला ही पूछता है मैक्सिमम, और फॉर्मूला पर बेस्ड ही प्रॉब्लम पूछता है जो तुरंत एक झटके में बन जाए वैसा पूछता है। अच्छा अब एक चीज ऐसे ही पूछता नहीं है, ठीक है ना, तो इसको मैं स्कीप भी कर सकते हैं या थोड़ा सा बता देते हैं बेसिक में भी, अगर सिंपल सा पूछ ले, पूछेगा बहुत सिंपल, देखेगा कि बच्चा के पास नॉलेज है कि नहीं, क्वेश्चन इन्फिनिटी वाला, ठीक है। जैसे अभी जो आप लिमिट देख रहे थे उसमें रहता था 5, 2, 3, 4 है ना, इन्फिनिटी वगैरह नहीं था। अब क्वेश्चन में कि x टेंड्स टू इन्फिनिटी और आपको लिख दिया है क्वेश्चन में, क्वेश्चन लिखा है 5x-6 बाई में लिख रहा है 4x² + 9, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो एक बात हमेशा याद रखिएगा x टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो इसका मतलब किस तरीके से कर सकते हैं, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, इन्फिनिटी का मतलब क्या होता है 1/0, इन्फिनिटी का मतलब है, हाँ सर 1/0। तो हम कह सकते हैं क्या, इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे अपना मतलब निकालिएगा, इसको हम उलट रहे हैं, तो हम क्या कह सकते हैं कि 0 का मतलब 1/x, ये मतलब समझिएगा इन्फिनिटी के केस में, ठीक है, कि 1/x का मतलब क्या होता है 0। इस चीज को जरूर याद रखिएगा और इसी चीज से आपका प्रॉब्लम सॉल्व होगा, लिमिट इन्फिनिटी वाला। देखिए हम सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ पे रूट था, हमको याद है कि 1/x का मतलब क्या होता है इन्फिनिटी के केस में 0, यानी 1/x के फॉर्म में मेरा मजबूरी है सबको रिप्रेजेंट करना, तब ना हम 0 पुट कर पाएंगे, इन्फिनिटी पुट करेंगे तो हम नहीं सॉल्व कर पाएंगे। आप देखिए सॉल्व कर रहे हैं, यहाँ से हम x कॉमन ले रहे हैं, ठीक है, तो बच गया हमारा 5 - 6/x, 6/x हो जाएगा ना, हाँ ठीक है। आगे बढ़ रहे हैं, अब हम क्या कर रहे हैं 4x² और 9 है, हम क्या कर रहे हैं यहाँ से भी x को बाहर निकाल रहे हैं, तो x को बाहर निकालेंगे रूट से सीधा निकाल रहे हैं x को बाहर, तो x निकल गया, इसके पास 4 बच गया, लेकिन इसके पास क्या रह जाएगा 9 बाई में क्या हो जाएगा, इसका ले लिया है ना जाएगा, स्क्वायर रूट है ना यहाँ पे, हाँ तो पूरा निकाले, तो पूरा का पूरा स्क्वायर निकले, समझ में आ गया। अब एक से एक्स कट गया,
पांच माइनस छ बटे एक्स बटे में चार प्लस नौ बटे में एक्स। अब सुनिए खुद, एक बटा एक्स का मतलब जीरो होता है, तो यहाँ कुछ नहीं तो एक बटा एक्स, यहाँ कुछ नहीं तो एक बटा एक्स, तो ये तो जीरो हो गया, एक बटा एक्स रखने पर पूरा जीरो बन गया इधर, और एक बटा एक यहाँ फिर से जीरो रखे तो नौ गुना जीरो भी जीरो बन गया। यानी फाइनल इसका आंसर क्या है, पांच बटा चार इसका फाइनल। समझ में आ गया ना? ये इन्फिनिटी वाला कहानी रह गया, ऐसे पढ़े थे क्लास 11 12 में? नहीं। इतना इजी लैंग्वेज में पढ़े थे कि नहीं? इजी लैंग्वेज में पढ़े थे तुम, 11 12 भी पढ़ाए हैं ठीक है ना, क्लास चलता था हमने इसको खास तरीके से पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? मतलब इतना सिंपली वे में नहीं पढ़ाया गया था हम लोग को। सिंपली वे में रहता है तो इजी रहता है ठीक है। ये हो गया अपना लिमिट का केस, तो लिमिट हम लोग यहाँ तक सीख गए, अब यहाँ तक सीख गए। इन्फिनिटी का भी मैं आपको बता दिए कि कुछ भी नहीं, वन बाई एक्स में लाइए और पलट के आंसर निकाल लीजिए, बहुत आसान होता है ठीक है। और इसी पर एकदम आसान वाला पूछेगा एकदम बन जाएगा ठीक है। अगर 10-20 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन बना लीजिएगा लिमिट का तो कॉन्फिडेंस रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं ठीक है। अब आते हैं ट्रिगो में, जो क्वेश्चन पूछता है डायरेक्ट एकदम क्वेश्चन पूछा है टेस्ट में ठीक है। ट्रिगो में जान लीजिए, ट्रिगो का फॉर्मूला यही है कि जब भी ट्रिगो का आपका केस आए, ट्रिगो वाला जब लिमिट दे दे तो या तो आप एल हॉस्पिटल लॉ सब जगह लगता है ठीक है ना। जैसे ट्रिगो का पहले समझ लीजिए तब समझ में आएगा बनाने के लिए। जैसे क्वेश्चन है कि आपको पता करना है लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन थ्री एक्स बाई में एक्स का आपको आंसर निकालना है ठीक है। क्वेश्चन ये दिया है। अब लिमिट का तो मतलब होता है बेसिक कि भाई पहले पुट करके देखिए, अगर इनडिफाइन आ रहा था तो चैलेंज हो गया, तब तो दिमाग लगाना है, और अगर इनडिफाइन नहीं है तो डायरेक्ट आंसर निकाल लिया। देख रख रहे एक्स को जीरो, तीन गुना जीरो जीरो हो जाएगा, साइन जीरो का वैल्यू जीरो होता है, एक्स में रखे जीरो, जीरो बाई जीरो आ गया, फिर तो चैलेंज दे दिया। हाँ सर, यहाँ भी काम करेगा इस केस में, इस केस में भी काम करेगा एल हॉस्पिटल लॉ ठीक है। लेकिन पहले बच्चा एल हॉस्पिटल लॉ के बारे में तो जानता नहीं है, तो नियम क्या कहता है? नियम कहता है, ये फॉर्मूला है ठीक है, नियम कहता है कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स, यानी ऊपर का जो एंगल है वही अगर आप नीचे भी रख देते हैं ना तो उसका वैल्यू हमेशा वन होता है, यही फॉर्मूला है ठीक है। और इस फॉर्मूला, ये जितना फॉर्मूला दिख रहा है सबको आप याद कर लीजिएगा, क्योंकि डायरेक्ट आपसे फॉर्मूला ही पूछेगा। समझ में आ गया? यस सर। हाँ सर। तो ये सब फॉर्मूला को आप याद कर लीजिएगा। अब देखिए एक बार पहले हम फॉर्मूला पर बना देते हैं और फिर इसको एल हॉस्पिटल पर भी बना देते हैं, ताकि जितना टफ से टफ है सबको आप बना दीजिएगा ठीक है। एल हॉस्पिटल लगा करके सबको बना दीजिएगा, हालांकि टफ नहीं पूछेगा आसान पूछेगा ठीक है। चलिए पहले एक बार फॉर्मूला पे बना देते हैं। ये फॉर्मूला आपको क्लास 11 में सिखाया जाता है कि भाई इसको याद कर लीजिए, इसी से आप ट्रिगो वाला सारा प्रॉब्लम बनाइएगा। तो साइन वाला टैन वाला कॉस वाला सब याद कर लीजिएगा। देखिए लगा रहे हैं, हमको क्या सिखाता है फॉर्मूला कि भाई अगर आपको सॉल्व करना है तो जैसा ऊपर एंगल वैसा नीचे भी लाना है। तो ऊपर में 3x है, यहाँ x है, अपने मन से 3 मल्टीप्लाई कर दिए तो 3 यहाँ क्या कर देंगे, यहाँ 3 डिवाइड में डाल दिए तो 3 मल्टीप्लाई में, बात उतना ही पड़ेगा है ना। और साइन 3x बाई 3 ये इसी डिजाइन का ना है, साइन x बाई x सेम डिजाइन का है, ये 1 हो गया, 1 गुना 3 इसका आंसर क्या हो गया 3। तो ये तो आसान था, ये तो फॉर्मूला पर तुरंत फिट खा गया, लेकिन बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा मतलब ट्रिकली क्वेश्चन रहेगा, जो अगर आप ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला जानिएगा तब तो आप उसको उलट पुलट करके इस पर ला सकते हैं, लेकिन बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन होगा जिसका फॉर्म इस पर लाने के लिए आपको बहुत मशक्कत करना पड़ेगा ठीक है, और बहुत ज्यादा आपका टाइम जाएगा। लेकिन याद रखिएगा पटना वुमेन्स कॉलेज के टेस्ट में एकदम आसान क्वेश्चन पूछता है, कुछ भी टफ नहीं पूछता है, सब ट्रिकली रहता है। तो चलिए इसी चीज को हम बता रहे हैं, अभी जो हम लोग का था इसी चीज को हम लोग बता दे रहे हैं आपको एल हॉस्पिटल रूल पर भी ठीक है, ताकि नहीं भी कुछ समझ में आएगा, फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं भी याद रहेगा तो आप इस पर प्राग से लगा दीजिएगा ठीक है। देखिए सॉल्व कर रहे हैं, तो एल हॉस्पिटल रूल सिखाता क्या है कि आप ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दीजिए है ना, डिफरेंशिएट कर रहे हैं। साइन 3x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन का क्या होता है, कॉस होता है, तो कॉस 3x लिख दिए। अब 3x का बारी, 3x को डिफाइन, 3x को डिफरेंशिएट करें तो इसका क्या हो जाएगा 3। एक्स को डिफरेंशिएट करें तो 1 बाय
वन ही ना, एक्स को डिफरेंशिएट करें तो वन हो गया। अगर एक्स का वैल्यू जीरो रख रहे हैं, आप देखिए चेक कर रहे हैं कि अभी भी आ रहा है तो जीरो रख रहे हैं, देखिए तो तीन गुना जीरो जीरो, कॉस जीरो का वैल्यू क्या होता है वन, वन गुना तीन क्या होता है थ्री, थ्री डिफाइन होने वाला ना टर्म है, इनडिफाइन तो है ना, इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, करेक्ट आंसर तो या तो आप फॉर्मूला पर फिट करके बनाइएगा, फॉर्मूला पर फिट कीजिएगा तो कुछ फिट हो जाएगा आसानी से, लेकिन कुछ ऐसा होगा जो फिट नहीं खाएगा, तो ऐसा जब भी है तो इतना इफ बट नॉट नथिंग नहीं करना है, डायरेक्ट फटाक से लगा दीजिए एल हॉस्पिटल और बना लीजिए, लेकिन ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट टेस्ट में आपका पूछेगा, ठीक है कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो साइन एक्स बाई एक्स इज इक्वल टू वाट, एक जीरो टू थ्री, फटाक से कीजिएगा वन, ठीक है। चलिए तो ट्रिगो वाला भी अब खत्म करते हैं, ये फॉर्मूला है ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है। ट्रिगो वाला भी हो गया, ट्रिगो भी खत्म हो गया, बस लिमिट समझ गया तो डिफरेंशिएशन एकदम आसान है, डिफरेंशिएशन तो फॉर्मूला है और डिफरेंशिएशन कुछ नहीं है, लेकिन पूछेगा थोड़ा सा इंटरेस्टिंग टर्म, ठीक है, इंटरेस्टिंग टर्म पूछेगा लिमिट में थोड़ा सा, देखिए लिमिट के इंटरेस्टिंग टर्म, लिमिट एक्सटेंड्स टू जीरो साइन एक्स पे, यहां पे है डिग्री, ठीक है, वाई में एक्स, अब है डिग्री और ये है एक्स। हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा, जितना हम लोग ट्रिगो पढ़ते हैं, चाहे जितना जहां भी ट्रिगो पढ़ते हैं, वो सब ट्रिगो हम लोग रेडियन में पढ़ते हैं, ठीक है, रेडियन में, मतलब अगर टेन एक्स लिखा है तो समझिए एक्स किस चीज में है, रेडियन में है, लेकिन यहाँ ये डिग्री में लिख रहा है, तो पहला काम हम लोग को क्या करना है, इस डिग्री को रेडियन में बदलना है, इस डिग्री को किस चीज में करना है, रेडियन में बदलना है, तो याद है आपको डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए क्या करेंगे, 180 डिग्री को रेडियन में बदलना होता है, तो हम लोग पाई बाई 180 से गुना करते हैं, तो चलिए इस केस में करते हैं हम यही काम, ये वाला क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लिमिट साइन एक्स डिग्री था ना, तो डिग्री को रेडियन में बदल रहे थे, इसके लिए हम लोग क्या किए, पाई बाई 180 से गुना, और नीचे में पहले से क्या था, तो साइन एक्स बाई एक्स का वैल्यू क्या होता है, ये याद रखिएगा, ठीक है, ये आपसे पूछेगा, चाहे टेन पर पूछ दे चाहे कॉस पर पूछ दे, ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना ही में इतना ही ध्यान रखना है, ये सब बताए थे उस वो वाला लिमिट वाला चैप्टर वाला में, जिसको हम रिकॉर्डेड के फॉर्म में आपके लिए प्रोवाइड किए थे, खैर छोड़िए, ये हो गया, ये समझ गए ना, अब भाई जितना भी टफ क्वेश्चन आएगा एकदम बेझिझक ट्रिगो का फॉर्मूला आपको याद हो चाहे नहीं हो, एकदम इस पे लगाइएगा, तुरंत तुरंत आंसर बनाइएगा, नहीं तो सोचिएगा तो बहुत ज्यादा सोचना पड़ जाएगा, ठीक है, और हार्ड से हार्ड क्वेश्चन भी बन जाता है तुरंत इस फॉर्मूला से, जो भी एल हॉस्पिटल लॉ का फॉर्मूला दिखाए हैं, नहीं तो नॉर्मल क्वेश्चन बनाइएगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बना के बताइए जल्दी से, बचाइए तो लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो, लिमिट थीटा टेंड्स टू जीरो साइन थ्री थीटा बाई में टेन टू थीटा, लिमिट कम से कम खत्म कर लेंगे, फिर एक दो क्लास करके जल्दी कवर कर लेंगे, हो जाएगा कवर, नहीं डिफिकल्ट है, आप लोग पे डिपेंड करता है कि कितना आप लोग बूस्ट कीजिएगा आगे। चलिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, तो देखिए अगर आप थीटा बराबर जीरो रखिएगा तो तीन गुना जीरो जीरो साइन जीरो का वैल्यू जीरो, और फिर दो गुना जीरो जीरो टेन जीरो का वैल्यू क्या होता है, टेन जीरो का वैल्यू क्या होता है, बोलिए, टेन जीरो का वैल्यू नहीं जानते आप लोग, टेन जीरो का वैल्यू क्या होता है, टेन जीरो का वैल्यू क्या होगा, इनफिनाइट होता है, टेन जीरो का वैल्यू क्या हो जाएगा, टेन जीरो मतलब साइन जीरो बाई क्या कॉस जीरो, तो साइन जीरो का वैल्यू क्या होता है, जीरो बाई वन, जीरो बाई वन जीरो ना होता है, जीरो आ गया तो फिर काम गबड़ा गया ना, जीरो ऊपर भी आ गया जीरो नीचे भी आ गया तो फिर तो डिस्टर्बेंस हो गया है ना, तो हमको लगाना क्या पड़ेगा, या तो अब आप फॉर्मूला लगाइए, इसमें आसान है, एकदम आसान है, फॉर्मूला यहाँ आपको दिख रहा है, या तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे थ्री थीटा लिखा है ना, हम थ्री थीटा से नीचे की डिवाइड कर देते हैं अपने मन से, यहाँ डिवाइड कर देगा, एक थ्री थीटा यहाँ गुना में डाल देंगे, ठीक है, कर दिए थ्री थीटा, यहाँ पे टू थीटा है तो टू थीटा अपने मन से देते हैं, तो टू थीटा से यहाँ पे क्या कर देंगे, गुना कर देंगे, अब
अब क्या हो जाएगा, साइन थ्री थीटा बाई थ्री थीटा का वैल्यू वन, टेन टू थीटा बाई टू थीटा का वैल्यू वन, यानी फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, थ्री थीटा बाई में टू थीटा का आंसर हो गया थ्री बाई टू। ये तरीका है, ठीक है। तो हम अब खत्म कर चुके हैं, यहाँ तक खत्म हो गया। ध्यान रख लेगा ट्रिगो वाला भी खत्म हो गया, ठीक है। ट्रिगो वाला भी आसान है, ट्रिगो भी खत्म कर दिए, ये भी खत्म हो गया। लिमिट किसी भी केस में दे, आप अप्लाई कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। हर केस में इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा, सब केस में इसी तरीके से सॉल्व कीजिएगा, आंसर को निकालिएगा। और ज्यादा इसमें ध्यान नहीं लगाना है, ठीक है। लिमिट में आया है सर? नहीं, लिमिट में आए ज्यादा नहीं। अब कुछ लिमिट, अब स्पेशल केस का लिमिट है, ठीक है। अब लिमिट कुछ स्पेशल केस के लिए ये सारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। कि जो एक्सपेंशन है, एक्सपेंशन को याद रखिएगा, ठीक है। एक्सपेंशन डायरेक्ट पूछेगा आपसे साइन एक्स इज इक्वल टू क्या, मतलब इतना तो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन एक बस ई एक्स का रख लीजिएगा और एक लॉग एक्स का रख लीजिएगा, ठीक है। दोनों रख लीजिएगा, इसका मतलब इसी तरीके से आगे बढ़ते जा रहा है। चलिए इधर छोड़िए, इधर बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग, अप्लाई करते हैं इस चीज को। अब हम लोग अप्लाई कर रहे हैं कुछ स्पेशल फंक्शन के लिए, ठीक है। तो स्पेशल फंक्शन का लिमिट का फॉर्मूला याद रखना है, स्पेशल फंक्शन का लिमिट का फॉर्मूला कहाँ है याद कर लीजिएगा, इसको भी डायरेक्ट पूछेगा आपसे स्पेशल फंक्शन का लिमिट। हाँ देखिए यहाँ पे, ठीक है। देखिए फॉर्मूला याद रखिएगा, जब आपका e टू पावर x का कहानी आएगा तो फॉर्मूला कहता है कि लिमिट x टेंस टू जीरो e टू पावर x माइनस वन बाई x, तब इसका वैल्यू वन होता है, ठीक है। और अगर यही केस रह जाए लॉग के केस में, तो याद रखिएगा कि लॉग वन प्लस एक्स बाई एक्स का वैल्यू क्या होता है, वन होता है। दो फॉर्मूला हो गया, एक फॉर्मूला और, दोनों फॉर्मूला देख लिए, वन बाई एक्स का देख लिए और इसका देख लिए, और एक फॉर्मूला सबसे बेसिक ये वाला, ठीक है। ये भी फॉर्मूला होगा, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए टू पावर एक्स माइनस वन बाई में एक्स, अगर ऐसा कहीं मिल जाए तो इसका मतलब होता है लॉग ई ए, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, लॉग ई ए, याद रखेगा, बस इतना ही, ठीक है। इसी पर सारा क्वेश्चन बनता है। अब जैसे कुछ बता रहे हैं, ठीक है, और नहीं तो फिर यहाँ पर भी सेम काम करेगा। नहीं कुछ समझ में आया तो तुरंत एल हॉस्पिटल रूल लगाइए, तो एल हॉस्पिटल रूल वही अच्छा से लगा पाएगा जो डिफरेंशिएशन जिसका सही होगा। जैसे अब इसी पर क्वेश्चन है, ठीक है, दोनों तरीके से क्वेश्चन को बना दे रहे हैं। इंटीग्रेशन से क्या, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से भी नहीं पूछता है? हाँ, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन से भी पूछेगा, लेकिन लिमिट को खत्म कर ले रहा है, चार पांच वैरायटी में से कोई एक रहता है, तो लिमिट खत्म हो गया, ठीक है। लास्ट में आ गए हैं, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो पांच एक्स माइनस वन बाई में अंडर रूट चार प्लस एक्स माइनस टू, क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, देखिए इसमें ट्रिगोन है, इसमें अलजेब्रा है, ये इसमें क्या दे दिया है, इसमें क्या दे दिया है, पावर दे दिया है, एक्सपेंशन, ये अलग सबसे अलग मिला है, ठीक है। तो अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा, देखिए एक्स बराबर जीरो रखिएगा, आप खुद देखे तो पांच के पावर जीरो वन होता है, वन में से वन गया जीरो, चार के बाद एक्स की जगह जीरो रखिएगा तो चार का स्क्वायर रूट हो जाएगा दो, दो में से दो गया जीरो जीरो। तो ये लिमिट मतलब कि ऐसा आंसर नहीं आना चाहिए, तो इसको अलग तरीके से बनाना है। अब इसको अलग तरीके से बनाना है तो या तो आप अभी जो हम आपको फॉर्मूला सिखाए थे, अभी एक फॉर्मूला क्या सीखे थे, एक फॉर्मूला हम लोग सीखे थे कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो ए टू पावर एक्स, ए टू पावर एक्स माइनस वन बाई एक्स का वैल्यू होता है लॉग ए, है ना, बेस में ई ए। या तो आप इसको इस फॉर्म में पुट कीजिए, नहीं तो सीधा सा जानिए कि जीरो बाई जीरो आ ही रहा है, लगा दीजिए तुरंत एल हॉस्पिटल रूल, ठीक है। तो हम देखिए एल हॉस्पिटल रूल लगा के तुरंत बना रहे हैं, ठीक है। अब बताइए पांच एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, फाइव टू पावर एक्स है, क्या डिफरेंशिएशन होगा जानते हैं, ए टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए टू पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, बताइए, जानते हैं फॉर्मूला,
नहीं जानते है ना, गलती है कि डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला याद है। 8 to power 4 ए टू पावर एक्स को अगर डिफरेंशिएट करना है हम लोग को, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, एकदम क्वेश्चन पूछेगा ये सब, तो ये सब क्वेश्चन डिफरेंशिएशन ऑफ डी बाई डी एक्स, अगर ए टू पावर एक्स का पूछता है तो इसका डिफरेंशिएशन होता है ए टू पावर एक्स लॉग ए, ये इसका होता है, ठीक है, ये इसका डिफरेंशिएशन होता है। तो जिसको फॉर्मूला याद रहेगा डिफरेंशिएशन का सही तरीके से पूरा, वही ना लगाएगा ये हॉस्पिटल रूल, और तब हार्ड से हार्ड लिमिट को बना लेगा। तब देखिए लगा रहे हैं, डिफरेंशिएट कर रहे हैं इसको, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 के पावर x log 5 हो गया। एक का तो डिफरेंशिएशन जीरो हो जाएगा, एक का डिफरेंशिएशन जीरो हो गया, खत्म। आगे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसका हो जाएगा 1/2 √4 + x, दिखा ये होता है इसका, ये डिफरेंशिएशन कीजिएगा ना अंडर रूट फोर प्लस एक्स का, फिर फोर प्लस एक्स का यहाँ साथ में करेंगे तो फोर का तो जीरो हो जाएगा, एक्स का क्या हो जाएगा वन, और टू का भी क्या होगा जीरो जीरो। यानी अब देख रहे हैं फाइनल, फाइनल मेरे पास क्या आया, 5 to power x log 5 बटे में 1/2 √4 + x है ना, इसी चीज को देखिए लिख रहे हैं, इस चीज को हम लोग लिख लेते हैं, पेपर वगैरह लेके बैठते हैं, कॉपी वॉपी लेके बैठते हैं ना, यस सर, इसको तेजी से उतारिए ताकि हम अगले स्टेप में लिख सके, इसको उतारिए ताकि हम आगे लिख सके, तब ना आगे सॉल्व करेंगे, ब्लैकबोर्ड ही छोटा पड़ गया। अलेवन ट्वेल्व का मैथ वैसे सिंपल में निकल रहा है, लिख लिए, ये क्या था, इस टर्म को लिख लिए ना, मेन ही टर्म है, तब ना आगे हम पुट करेंगे। चलिए तो हम लोग का टर्म क्या था, हम लोग को आगे कैलकुलेट करना, तो क्या था हमारे पास, 5 to power x log 5 बटे में 1/√2 √4 + x और लिमिट x टेंड्स टू क्या आया था जीरो। अब देख रहे हैं एल हॉस्पिटल रूल तो हम लोग लगा लिए थे, एक स्टेप एक बार हम लोग लगा चुके हैं, अब देख रहे हैं जीरो पुट करने के बाद फिर जीरो आएगा तो फिर से लगाएंगे, लगा रहे हैं देखिए, तो 5 का पावर 0 एक होता है, यानी ऊपर हो गया log 5, ठीक है, नीचे में तो यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे जीरो, तो 4 का square root क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 2 × 2 = 4 हो जाएगा, ये नीचे में तो ऊपर आ जाएगा गुना में, आंसर क्या हो जाएगा 4 log 5। अभी तो जीरो के बराबर है नहीं, नहीं यही क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है, मतलब जीरो के भी बराबर रहता चलता है, 0/0 नहीं होना चाहिए है ना, इसका करेक्ट आंसर आपको क्या मिल गया 4 log 5 इसका करेक्ट आंसर मिल गया, ठीक है। अब भाई जैसा भी दुनिया का लिमिट मिले सब पे लगा दीजिएगा, एल हॉस्पिटल रूल लगाइएगा और आंसर बनाते जाइएगा, ठीक है, 4 log 5 इसका आंसर है। हम लोग भी जब 11 में जब पढ़ रहे थे ना तो ऐसे करके नहीं पढ़े थे, नहीं तो और भी होते तेज, ठीक है, 100 में लाए थे उस टाइम 97 और भी ज्यादा लाते, लेकिन इतना सही से पढ़ाने वाला टीचर नहीं था है ना। तो यहाँ तक हो गया खत्म, ये अपना लिमिट पूरा खत्म, समझ गए, अब हम एंट्री करें डिफरेंशिएशन में, एंट्री करें, हाँ सर बहुत आसान है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा, ध्यान रखे सीधा दे दीजिएगा सर, अच्छा ठीक है दे देंगे, इससे ज्यादा टफ लिमिट पूछता नहीं है, ठीक है ना, लिमिट का आसानी पूछता है, बट याद रखिएगा फॉर्मूला सब जरूर याद रखिएगा, और फॉर्मूला याद रखने के लिए देखिए इसमें होगा यही ना क्या कि हम इसमें बेहतर के लिए, चूंकि ऑनलाइन अगर हम पीडीएफ तैयार करते हैं, इसमें ऑनलाइन अगर हम पीडीएफ भी तैयार करते हैं तो वहाँ कॉपी वगैरह सही से नहीं होता है, ठीक है ना, तो सीधा सा जो लास्ट का समरी होता है ना चैप्टर का उसको पूरा याद कर लेना है, और उसका जो एमसीक्यू सेट होता है ना उसका 2-4-10 question बना लेना है, बस इतना ही काम करना है, तो ये तो हम प्रोवाइड कर देंगे आपको, और फटाफट इसको लिमिट खत्म कर लीजिएगा, ठीक है, लिमिट खत्म कर लीजिएगा। अब डिफरेंशिएशन पढ़ रहे हैं कि डिफरेंशिएशन अब क्या है, ठीक है, डिफरेंशिएशन क्या है जानते हैं कोई,
देखिए दो बड़ा चैप्टर खत्म, मतलब अगर ये दो चैप्टर खत्म कर दिए, लिमिट और डिफरेंशिएशन खत्म कर दिए, तो बचा क्या? ट्रिगो उधर खत्म ही कर दिए, उधर खत्म कर दिए, बीच में बचा कॉम्प्लेक्स नंबर, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो चारों एक साथ कवर कर लेंगे हम। इंटीग्रेशन वो क्लास ट्वेल्थ का है ना, ये खत्म कर लेंगे ना बीच वाला, इसका जब रिकॉर्डेड लेक्चर रहेगा, रिकॉर्ड लेक्चर बना हुआ है, ठीक है, ये खत्म हो जाएगा तो पूरा एग्जाम खत्म। बचा क्या? ट्वेल्थ में इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का यूज, और इसके बाद एक और इंटीग्रेशन, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, तीन ही, और एक मेन इसमें एक और चैप्टर आगे है डिफरेंशियल इक्वेशन, चार को तो चैप्टर पढ़ना है क्लास ट्वेल्थ का, तो आज ग्यारहवां का पूरा कहानी खत्म हो जाएगा। अब बात करें डिफरेंशिएशन का, ठीक है, अब हम लोग डिफरेंशिएशन को बात कर रहे हैं, तो डिफरेंशिएशन में सीधा सीधी डिफरेंशिएशन के मतलब को, मतलब वगैरह से तो क्वेश्चन आएगा नहीं, तो मतलब वगैरह तो ज्यादा कुछ समझना नहीं, डिफरेंशिएशन वगैरह क्या है, इसे सब बेसिक है। डिफरेंशिएशन में सीधा सा क्या, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है कि डिफरेंशिएशन को इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि शुरुआती टाइम में रियलिटी था कि हम भी नहीं समझे थे, ठीक है, क्या क्या वो पारे वगैरह थे, ठीक है, स्लॉप व्लॉप क्या पारे थे, हम भी नहीं समझे थे, लेकिन हम डिफरेंशिएशन का सिंपल सा मतलब आपको बताते हैं कि डिफरेंशिएशन का मतलब होता है डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि डिफरेंशिएट करना, ठीक है, मतलब एक पार्टिकुलर वैल्यू पर क्या करना, चूंकि अभी हम लोग जितना कुछ पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं कि किसी वैल्यू पर फाइंड करना है ना। पहले हम लोग अलजेब्रा में सीखे कि x बराबर 1 पर फाइंड कीजिए, तो हमारे साथ प्रॉब्लम क्या आ गया, हमारे साथ प्रॉब्लम आ गया कि कभी कभी आंसर 0 बाई, मतलब ऐसा टर्म मिल जा रहा था जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते हैं, तो इस टाइप का प्रॉब्लम आया तो हम मैथ में लिमिट ला दिए, ठीक है, लेकिन ये जो लिमिट काम कर रहा था, ये लिमिट काम कर रहा था किसके लिए, ये लिमिट काम कर रहा था अलजेब्रा वगैरह के लिए, ठीक है, मतलब फंक्शन वगैरह के लिए, है ना, मतलब कि जो लिखा हुआ है, लेकिन डिफरेंशिएशन इसी का एडवांस वर्जन है, ठीक है, लिमिट कहीं क्या है, डिफरेंशिएशन एडवांस वर्जन है, इसका एडवांस है, और ये काम करता है कब, जब आप क्वेश्चन को पिक्टोरियली सॉल्व करते हैं, जैसे इस केस में हमारे पास क्या है, एक फंक्शन का, ये क्या है, एक फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है, क्या है, ग्राफ है, तो इसका वैल्यू किसी पर्टिकुलर पे फाइंड करना था, इस पे फाइंड करना था, इस पॉइंट पर, इसका इस केस पर, इस पॉइंट पे हमको फाइंड करना था, इसका इस केस पे फाइंड करना था, तो वैसी सिचुएशन में हम लोग लिमिट को ही डेवलप किए, किस में, डिफरेंशिएशन में, ठीक है, तो डिफरेंशिएशन का मतलब होता है किसी फिक्स वैल्यू पर वैल्यू को फाइंड करना, ठीक है, और इसके जरिए से, यानी ये वाला कॉन्सेप्ट से, डिफरेंशिएशन से क्या कर सकते हैं कि हम बहुत जल्दी आंसर को निकाल सकते हैं, लिमिट में है कि बार बार पुट कीजिए, चेक कीजिए, बार बार पुट कीजिए, चेक कीजिए, है ना, और डिफरेंशिएशन में है कि एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट इसको लगाइए आंसर बन जाएगा, तो डिफरेंशिएशन का ये मतलब होता है, लेकिन मतलब से ज्यादा आपको मतलब नहीं है, यहाँ सिंपल सा मतलब है आपको बेसिक प्रॉब्लम से, और डिफरेंशिएशन में आपको पहला चीज याद रखना है फॉर्मूला, ठीक है, फॉर्मूला पर ही सारा डिफरेंशिएशन चलेगा, जो आपके टेस्ट में क्वेश्चन आएगा वो भी आएगा फॉर्मूला का ही आएगा, तो जान लीजिए कौन कौन सा फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, उसके बाद उस पर बेस्ड डिफरेंशिएशन को हम लोग देख लेंगे। तो डिफरेंशिएशन का पीडीएफ नहीं भेज देंगे ना, उसमें क्या है, पहले डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला समझ लीजिए कौन कौन सा फॉर्मूला याद है, ठीक है, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला को देख लीजिए, डिफरेंशिएशन में सबसे पहले एक बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग सीखे थे कि मान लेते हैं हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स, ठीक है, मतलब फंक्शन है जिसमें काम कौन कर रहा है, एक्स कर रहा है, तो कहता था कि अगर आप इसको फंक्शन को अगर आप डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो मतलब लिमिट से हम लोग एक कॉन्सेप्ट लाए थे, लिमिट को ही हम लोग आगे बढ़ाए थे, तो एक कॉन्सेप्ट था कि अगर आप इसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं तो आप इसको डिफरेंशिएट कीजिए इस तरीके से, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई में एच, ठीक है, अगर आप इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना चाहते हैं और आप इसको डिफरेंशिएट करने का कॉन्सेप्ट कहां से है, लिमिट से है, इसीलिए बता रहे हैं, तो डिफरेंशिएट करना मतलब लिमिट में इस प्रकार से इसका मतलब होता है, ठीक है, तो आपसे पूछेगा कि एफ एक्स बराबर एफ, इफ यू वांट लिखेगा कि एफ एक्स, आपको सीधा लिखेगा एफ डैश एक्स इज इक्वल्स टू व्हाट, और ऑप्शन आपको दे देगा, तो अगर लिमिट के फॉर्म में पूछेगा तो ये वाला याद रखेगा, इसी को हम लोग कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल, ठीक है, इसी का नाम होता है फर्स्ट प्रिंसिपल, समझ में आ गया ना, ना सर, तो एफ डैश एक्स बराबर ये हम पूछेगा क्या, तो यही मतलब लिख देंगे, बोलेंगे एफ डैश का मतलब ये होता है लिमिट के केस में, ठीक है, मतलब लिमिट से अगर पूछे तो ये इसका मतलब होता है, इसको याद कर लीजिएगा, हो गया, इसको पीडीएफ में बता देंगे,
अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब याद रखना है फॉर्मूला सिंपल सा, शॉर्ट शॉर्ट में कौन कौन फॉर्मूला है। तो पहला फॉर्मूला x टू पावर n को अगर आपको डिफरेंशिएट करना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होगा n इंटू x टू पावर n माइनस वन, ठीक है। फॉर्मूला सबका ठीक होगा, इसका फॉर्मूला सबको याद है, इसमें पूरा था इसका फॉर्मूला, इसमें क्वेश्चन भी दिया हुआ था लेकिन सब लिमिट वाला था। फॉर्मूला याद है सब, बेसिक फॉर्मूला सबको, बस बेसिक फॉर्मूला याद रहना चाहिए, बेसिक फॉर्मूला याद रहेगा ना तो बन जाएगा सब कुछ। और इसके लिए हम एक फॉर्मूला का लिस्ट दे देंगे, आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है ना। फॉर्मूला से देख लीजिएगा, फॉर्मूला का लिस्ट दे देंगे, क्वेश्चन आसान होता है, बस फॉर्मूला पे पुट कीजिए आंसर निकाले, जैसे क्वेश्चन है। हाँ लेकिन सबसे बेसिक एक फॉर्मूला है, सबसे बेसिक फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का, एक चीज को याद रखिएगा, डिफरेंशिएशन का ये वाला फॉर्मूला। चलिए हम लोग फॉर्मूला बात करें डिफरेंशिएशन, हम क्लास ट्वेल्थ के लेवल में, ठीक है। बेसिक बेसिक बात, पहला बात डिफरेंशिएशन का कुछ प्रॉपर्टीज है। पहला डिफरेंशिएशन का प्रॉपर्टीज है कि डी बाई डी एक्स, एफ एक्स और जी एक्स, अगर इस तरीके से दो फंक्शन मिल जाए एक साथ दो फंक्शन को करना है, तो इसका मतलब होता है कि पहले आप एफ एक्स का कर दीजिए और साथ साथ में क्या कर दीजिए, जी एक्स का कर दीजिए, और फिर दोनों को जोड़ दीजिए या घटाव दीजिए जैसा रहे उसको कर दीजिए, समझ रहे हैं ना। इसको शॉर्ट में लिखते हैं, छोड़िए, डी बाई डी एक्स यू प्लस वी का अगर करना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डी यू बाई डी एक्स, डी यू बाई डी एक्स प्लस प्लस डी वी बाई डी एक्स, प्लस रहे चाहे माइनस रहे। सेम तरीके से ये तो पहला बेसिक फॉर्मूला, दूसरा फॉर्मूला डी यू बाई डी एक्स यू भी के लिए यानी मल्टीप्लाई के फॉर्म में रहते, इसको कहता है कि आप यू को छोड़ दीजिए, भी को पहले कर दीजिए फिर प्लस कर दीजिए, भी को छोड़ दीजिए फिर यू को कर दीजिए, ये भी फॉर्मूला है। नेक्स्ट फॉर्मूला है कि अगर आपको डी बाई डी एक्स का डिफरेंशिएशन करना है यू बाई भी के लिए, तो इसके लिए फॉर्मूला कहता है कि नीचे हो जाता है भी का स्क्वायर, ऊपर हो जाता है यू को आप छोड़ दीजिए, भी को कर दीजिए और माइनस यहाँ कीजिए, यहाँ कीजिए भी डी यू बाई में यू बाई डी एक्स। ये चार फॉर्मूला आपका, इधर का तीन फॉर्मूला और बाकी सारा फॉर्मूला याद रखना है डिफरेंशिएशन का, सारा फॉर्मूला आपको दे देंगे, डिफरेंशिएशन पे अप्लाई कर देना है। अब चलिए क्वेश्चन बनाते हैं इस पर, ठीक है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन को क्या करना है, बनाना है और आंसर निकालना है तेजी से। क्वेश्चन कर रहा है कि वाई बराबर दे दिया है आपको अंडर रूट एक्स प्लस वन बाई अंडर रूट एक्स, तो आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है एट एक्स इक्वल्स टू वन, इसको निकालना है। तो ये क्या है, डिफरेंशिएशन है, डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स का मतलब डिफरेंशिएशन, और किसको डिफरेंशिएट करना है, वाई को, तो डिफरेंशिएट करें, डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो डी वाई बाई डी एक्स हो गया, आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं। ये क्या कर रहा है, ये कर रहा है एक्स टू पावर एन का, तो एक्स टू पावर एन का डिफरेंशिएशन होता है एन इंटू एक्स टू पावर एन माइनस वन, वन होता है। अब अप्लाई कर देना इसी चीज पे, हम इसी चीज पे क्या कर दे रहे हैं, अप्लाई कर देना। देखिए तो x का डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो 1 बाई टू रूट एक्स हो जाएगा, हो गया, हाँ सर 1 बाई टू रूट एक्स हो गया। अब इसको करें डिफरेंशिएशन, तो 1 का 1 1, इसको फिर से करेंगे 1 बाई रूट एक्स है, एक्स नहीं 1 बाई टू रूट एक्स नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा एक्स का ध्यान रखेंगे, बटा है ना, बटा को पहले एक टर्म में ले लेंगे, तो इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स टू पावर माइनस वन बाई में टू, यही ना होगा, माइनस वन बाई टू का अगर आप डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा इतना, यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा, मतलब इसको आप डिफरेंशिएट कीजिएगा तो आ जाएगा माइनस वन बाई टू, क्या जाएगा एक्स टू पावर माइनस वन बाई टू का करना है तो गुना हो गया माइनस वन बाई टू इंटू एक्स, माइनस वन बाई टू पे एक और माइनस करना है यानी माइनस थ्री बाई टू, माइनस थ्री बाई टू नीचे जाएगा तो माइनस वन बाई टू एक्स टू पावर थ्री बाई टू, ये होगा इसका डिफरेंशिएशन, है ना। हाँ। अब इसको डिफरेंशिएशन करना, आप डिफरेंशिएट तो कर दिया, अब एक वैल्यू पुट कर देना, एक वैल्यू पुट कर रहे हैं तो एक से एक पुट किया तो ये हो गया दो माइनस दो, एक का वैल्यू रखे तो एक के पावर थ्री बाई टू कुछ भी हो एक ही होता है, एक ही होगा तो वन बाई टू, वन बाई टू कट गया, आंसर क्या हो गया जीरो, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो डिफरेंशिएशन आप सबको ही जान रहे हैं, डिफरेंशिएशन में बस याद रखिएगा फॉर्मूला, फॉर्मूला हम आपको दे देंगे और छोटा छोटा प्रॉब्लम यही आता है डिफरेंशिएशन से, तो इस तरीके से हम लोग का लिमिट और डिफरेंशिएशन खत्म हो गया।